राशिज आर इक्वली इंपॉर्टेंट। किसी भी प्लेनेट की परफॉर्मेंस, आज कोई भी प्लेनेट कितना पावरफुल है, पावर ऑफ प्लैनेट्स, वो सारी की सारी बहुत इंपॉर्टेंट है वो परफॉर्म करने के लिए पूरी। अब आज मान लीजिए किसी के भी चार्ट में एक्स वाई जेड किसी का भी चार्ट हो, आप लोग सब माने हुए सब एस्ट्रोलॉजर्स ही हैं, सब जानते हैं, किसी की कुंडली में यहां पर कोई प्लैनेट नहीं है, यहां पर कोई प्लैनेट नहीं है, यहां पर कोई प्लैनेट नहीं है, ये जुपिटर वीक हो गया, चाहे ये एग्जॉल्टेड जुपिटर ही क्यों ना बैठा हो, उसके बावजूद भी ये जुपिटर जो है एक वीक जुपिटर है। वीक जुपिटर का मतलब ये है जो ये नेटिव है इसको किसी तरीके की सपोर्ट नहीं है। He will feel like a lonely. Nobody is there to support him. यहाँ पर सिर्फ एक प्लेनेट की जो वीकनेस किसी भी, आज मान लीजिए किसी के चार्ट में, चाहे वो हमारा शनि एग्जॉल्टेड ही क्यों ना बैठा हो, 7 नंबर का शनि बैठा है, एग्जॉल्टेड बैठा है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, दिस सैटर्न इज अ वीक प्लेनेट, चाहे भले ही एग्जॉल्टेशन में। तो यहाँ पर एक रूल ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी प्लेनेट के दूसरे 12वें और 7वें के अंदर आने वाले प्लेनेट, मान लीजिए इस शनि के साथ में यहाँ पर वीनस आ गया, यहाँ पर मरकरी आ गया, चाहे यहाँ पर मान लीजिए राहु आ गया, ये केतु आ गया, तो दिस सैटर्न इज वेरी पावरफुल सैटर्न, वेरी वेरी पावरफुल सैटर्न। तो ऐसे में आप किसी भी तरीके से प्लेनेट, आज कोई भी प्लेनेट का कॉम्बिनेशन, दिस प्लेनेट हैज टू सपोर्ट द प्लेनेट इन 12th। कोई भी प्लेनेट जो किसी प्लेनेट के दूसरे में बैठा है, चाहे वो एनिमी है चाहे वो फ्रेंड है, वो उसको सपोर्ट देनी पड़ेगी। अब फ्रेंड, अब इसके अंदर में, अब ये तो हो गया, ये इसमें कंजंक्शन ऑफ प्लैनेट्स बनते हैं। मान लीजिए यहाँ पर ये सैटर्न बैठा है, यहाँ पर वीनस मरकरी बैठे हैं, यहाँ पर मान लीजिए आपके हिसाब से मार्स ही आ गया, तो दीज ऑल प्लैनेट्स विल बी कंबाइंड टुगेदर। कॉम्बिनेशन कैसा बन जाएगा, ये डिपेंडिंग अपॉन द डिग्री ऑफ प्लैनेट्स, डिपेंडिंग अपॉन द डिग्री ऑफ प्लैनेट्स। मान लीजिए यहाँ पर शनि हमारा जो है वो 12 डिग्री का है, हमारा वीनस जो है वो 16 डिग्री का है, मरकरी हमारे पास 18 डिग्री का है, और मार्स हमारे पास मान लीजिए 20 डिग्री का है। जो ये अब यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन बनेगा, सैटर्न प्लस वीनस प्लस मरकरी प्लस मार्स, आप इसके लिए क्या प्रेडिक्शन कर सकते हैं, ये सैटर्न वीनस प्लस मार्स, मार्स मरकरी प्लस मार्स, दिस इज अ बैड कॉम्बिनेशन। किसी की भी चार्ट के अंदर में मार्स चाहे तो वो मरकरी की राशि में चला जाए, चाहे मरकरी के साथ बैठ जाए, अब किसी की कुंडली में भी देखिए मरकरी मार्स का जहां पर भी कॉम्बिनेशन है, अगर मरकरी के आगे मार्स जा रहा है तो यहाँ पर ब्रेक इन एजुकेशन, प्रॉब्लम इन एजुकेशन। अगर ये भाई है आपस में, मार्स के आगे मरकरी है, तो भाइयों के अंदर में कोई ना कोई विवाद आएगा ही आएगा। अब यहाँ पर अलग अलग चीजों के हिसाब से, आज मान लीजिए मार्स लैंड के बारे में, बट दे आर बोथ आर द गुड प्लैनेट्स फॉर गिविंग द लैंड, लैंडेड प्रॉपर्टी देने के लिए, ये दोनों के दोनों प्लैनेट जो हैं बहुत अच्छे प्लैनेट। आज ये वाला जो कॉम्बिनेशन है इट्स अ गुड योगा, दिस पर्टिकुलर ऑल दीज 3 प्लैनेट्स दे आर गुड योगा फॉर गुड मनी, गुड वेल्थ, बिग वेल्थ योगा। आज ये वाला योगा बनता है किसी की कुंडली के अंदर में, इस कॉम्बिनेशन को हम बिग वेल्थ योगा बोल देंगे, बिग वेल्थ योगा, मल्टी मिलीनियर योगा। आज किसी तरीके से बन जाए, यहाँ ट्राइन में बन जाए, सामने से बन जाए, किसी भी कंडीशन के अंदर में अगर इस तरीके के कॉम्बिनेशन बनते हैं, देखिए हमें कोई भाव नहीं देखना है, हमें कोई इम्पॉर्टेंट जो है, सबसे बड़ी दो ही चीज इंपॉर्टेंट है, पावर ऑफ प्लैनेट। प्लैनेट जो है वो सक्षम होना चाहिए रिजल्ट देने के लिए। आज ये शनि मान लीजिए डेबिलिटेड भी हो, सपोज करो हमारे पास शनि डेबिलिटेड है, अब यहां पर पोजीशन ये है, तो अब आप क्या कहेंगे कि ये शनि किस तरीके से परफॉर्म करेगा, शनि के साथ में वीनस बैठा है, तो यहां पर ये शनि पावरफुल शनि है भले ही डेबिलिटेशन, मगर क्योंकि ये दोनों फ्रेंड्स मिल करके इस डेबिलिटेशन से शनि को बाहर निकाल लेंगे।
क्योंकि ये बहुत ज्यादा पावरफुल कॉम्बिनेशन है शनि के लिए, शनि प्लस वीनस। आज आप ये भी कह सकते हैं शनि प्लस वीनस किसी का कॉम्बिनेशन है, आफ्टर मैरिज ही विल हैव अ प्रॉस्पेरिटी, ही विल हैव अ सक्सेस इन हिज लाइफ। सिर्फ एक इतने से कॉम्बिनेशन को देख करके आप कह सकते हैं इतना सा कॉम्बिनेशन। तो यहां पर जितनी भी बातें होंगी वो सारी की सारी कॉम्बिनेशन ऑफ प्लैनेट्स हैं, फिर प्लैनेट्स की पावर के ऊपर। आज मान लीजिए कोई प्लैनेट, जैसे सपोज करिए आज किसी की कुंडली के अंदर में आप देखते हैं शुक्र है, शुक्र किसी भी पोजीशन में, मान लीजिए आज ये 5 नंबर का शुक्र बैठ गया। अब आप क्या कहेंगे, ये शुक्र बैठा है 5 नंबर राशि में बैठा है, सूर्य की राशि में बैठा है, आज खुदा ना खास्ता यहां पर इसको सूर्य मिल गया, 6 नंबर का सूर्य है। अब इस पोजीशन के वीनस का, वीनस वीनस इज अ कारक ऑफ हैप्पीनेस इन अ लाइफ। आज आपकी जिंदगी के अंदर में देखिए, पैसा तो देने वाला सभी जानते हैं कि पैसा देता है, शुक्र देता है, मगर शुक्र जो है आपकी जिंदगी के अंदर में हैप्पीनेस, हैप्पीनेस का मतलब सेटिस्फेक्शन, सेटिस्फेक्शन का कारक भी वीनस है। आज आप मान करके चलिए जिसकी कुंडली के अंदर में ये सिचुएशन में शुक्र है, अगर वो सूर्य की राशि में बैठा है, उसके आगे सूर्य बैठा है, ही कैन नॉट हैव एनी काइंड ऑफ सेटिस्फेक्शन इन हिज लाइफ, थ्रू आउट हिज लाइफ, चाहे उसके पास पैसा कितना भी आ जाए। पैसा रोकता नहीं है, ये पैसा नहीं रोक रहा है यहाँ पर। आज मान लीजिए यही कॉम्बिनेशन है, यहाँ शनि आ गया, ये शनि 4 नंबर में भले ही आप उनके साइन में बैठा हुआ है, मगर आगे वीनस सपोर्ट करने के लिए है, उसके आगे सूर्य है, सपोज करो यहाँ मरकरी भी बैठ गया, दिस इज अ गुड कॉम्बिनेशन फॉर वेल्थ। पैसे के हिसाब से प्रॉब्लम नहीं है, मगर यहाँ पर उस पैसे से हैप्पीनेस नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर जो शुक्र है वो कमजोर है, दिस इज अ वीक वीनस। आज वीनस यहां से, आज मान लीजिए किसी का वीनस 4 नंबर में बैठा है, 4 नंबर में जिसका वीनस बैठा है उसकी फैमिली की जो लेडीज हैं, उसकी मदर हैं, उसकी बुआ हैं, उसकी सिस्टर हैं, हेल्थ इश्यूज होंगे, हेल्थ इश्यूज फॉर श्योर ये मिलेंगे। तो एक एक प्लेनेट एक एक राशि में बैठ करके फल देता है। ना तो हम यहाँ पर असेंडेंट देख रहे हैं, ना लॉर्डशिप देख रहे हैं, ना भाव देख रहे हैं, हम किसी चीज का यूज नहीं करेंगे। एक सिंगल प्लेनेट से किसी भी सिचुएशन के अंदर, आपने प्रोफेशन देखना है सैटर्न को यूज कर लो, आपने जुपिटर नेटिव को देखना है उसके जुपिटर को यूज कर लो, आपने फादर को देखना है सन को यूज कर लीजिए, आपने वाइफ को देखना है वीनस को देख लीजिए, आपने हस्बैंड को देखना है फीमेल चार्ट में मार्स को देख लीजिए। एक एक प्लेनेट आज किसी भी फीमेल चार्ट में किसी भी सिचुएशन में, यहाँ पर ये मंगल बैठा है, यहाँ केतु बैठा है, या शनि बैठा है, तो आप मान करके चलिए किसी भी सूरत में उस फीमेल की लाइफ में आफ्टर मैरिज प्रॉब्लम्स मिलेंगी ही मिलेंगी। ऐसा हो नहीं सकता कि शादी के बाद उसकी लाइफ में प्रॉब्लम ना आए। यू कैन जस्ट असेस विद अ सिंगल कॉम्बिनेशन ऑफ प्लैनेट, ना कि हमें कुछ बहुत लंबा चौड़ा नहीं देख रहे, हम 7th हाउस नहीं देख रहे हैं, हम कुछ 12वां 8वां 6ठा कुछ नहीं देख रहे। मंगल कहीं पर बैठा हो, किसी भी राशि में बैठा हो, बट द रिजल्ट्स विल नॉट चेंज किसी भी सूरत में। आप बहुत छोटी छोटी सी किसी भी मेल चार्ट में वीनस के आगे, आज मान लीजिए ये वीनस बैठ गया यहाँ शनि, भले ही इसका मित्र है मगर ये यहाँ पर शादी में प्रॉब्लम्स खड़ी करेगा। अगर डिग्री वीनस के और इसके बीच में कोई और प्लैनेट मरकरी नहीं आ रहा है, या कोई अच्छा प्लैनेट नहीं जुपिटर नहीं आ रहा है, तो आप मान करके चलिए शादी के बाद इस मेल की या तो वाइफ जो है प्रोफेशन, या तो वो प्रोफेशन करेगी, प्रोफेशनल होगी तब तो ठीक है, अगर वो प्रोफेशनल नहीं है, एक हाउस वाइफ है, तो 100% प्रॉब्लम्स देगा यहाँ पर शनि। अगर कहीं केतु और मिल गए यहाँ पर, तो दिस कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ सेपरेशन। वी कैन जस्ट जज इट बाय अ सिंगल सिंगल कॉम्बिनेशन ऑफ प्लैनेट्स। यहाँ पर हम कुछ चार्ट के अंदर सारे प्लैनेट्स नहीं देख रहे हैं कुछ। यस अजय बोलो। सर आपने जो ये कॉम्बिनेशन बताया है कि मार्स के आगे वीनस रहेगा
हाँ तो उससे नेटिव के शादी में कुछ प्रॉब्लम होती है, वीनस इरेस्पेक्टिव नहीं ऑफ वो किसी रहेगा, भी। मैंने कहा मार्स के आगे सैटर्न या केतु। ओके, तो सर ये जो रिजल्ट होते हैं वो इरेस्पेक्टिव ऑफ हाउसेज होते हैं, मतलब कि कोई प्लैनेट एट्थ हाउस का हाउस। काम ही नहीं है अजय जी इसमें, हम तो सिर्फ कॉम्बिनेशन ऑफ प्लैनेट, हमने कहा ही नहीं कि मंगल कौन से घर में बैठा है, हमने बात ही नहीं करी, हमने सिर्फ ये कहा है मंगल के आगे। आज बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, ये मंगल है, इसके आगे मरकरी है, यहाँ वीनस है। अब आप क्या सोचते हैं, वैसे तो होने को क्या दिक्कत है, मंगल है मरकल के आगे, मरकरी है, मरकरी। आप अगर किसी नॉर्मल एस्ट्रोलॉजी में कहेंगे तो इट्स अ गुड कॉम्बिनेशन, नॉट एट ऑल एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम। मगर मैं कहता हूं कि यहाँ पर हस्बैंड वाइफ के बीच में कहीं ना कहीं पर इश्यूज आएंगे ही आएंगे। क्यों? रीजन है, देखिए इस बीएनएन के अंदर में जितना भी आप बीएनएन पढ़ेंगे, मैं 100% चीज कहता हूं कि सब टोटल लॉजिकल है। इसके अंदर में आपको हर बात का जवाब मिलेगा कि अगर ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है। बिकॉज द कारक ऑफ प्लैनेट्स आर सच, कारक ऑफ प्लैनेट जो है वो इस तरीके के हैं जिसके अंदर में वो बताते हैं कि मैं ऐसा परफॉर्म कर रहा हूं तो क्यों कर रहा हूं। आज मान लीजिए किसी की भी अगर ये पोजीशन जो बताई है मैंने मंगल के आगे केतु की, इसकी लाइफ में तीन घटनाएं घट सकती हैं शादी के बाद। पहली घटना फैमिली में किसी की डेथ, बिकॉज केतु इज एंड, वो किसी ना किसी का एंड करेगा। बिकॉज सेकंड ऑफ मार्स, हाउस ऑफ मार्स इज फैमिली, वो हस्बैंड की फैमिली है, वहां पर किसी ना किसी का डेथ दे देगा। सेकंड मिसकैरेज, शादी के बाद उस फीमेल का मिसकैरेज हो सकता है। और तीसरी घटना जो है वो सेपरेशन। अगर इन दोनों में से कोई घटना नहीं होती है तो फिर कहीं ना कहीं वाद विवाद है जो मैरिज के अंदर में इश्यूज क्रिएट करेंगे ही करेंगे, किसी ना किसी तरीके से कुछ भी हो। और उसके अंदर में फिर क्या होता है, सेवियर कहाँ पर है? मान लीजिए ऐसा नहीं है, वॉल से चार्ट के अंदर मिल जाएगा। अब सपोज करो किसी फीमेल के चार्ट में तो ये कॉम्बिनेशन, अब इसके ऑपोजिट जो उसका स्पाउस है, जो उसका हस्बैंड है, उसके चार्ट के अंदर में ऐसा कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। मान लीजिए उस कॉम्बिनेशन के अंदर में ये कॉम्बिनेशन मिल जाता है, उसका वीनस है, उस वीनस के आगे जुपिटर है, या वीनस के साथ यहां पर भी जुपिटर बैठ सकता है। अब आप सोचिए कि यहां पर ये बाउंडेड हो गया, ये कंपेटेबिलिटी जो है वो आपके जो हस्बैंड के चार्ट में कंपेटेबिलिटी इज गुड, तो ऐसे अंदर में ठीक है। वो वाइफ के चार्ट के अंदर तो मार्स केतु का कॉम्बिनेशन आता है, मगर हस्बैंड का चार्ट उस चीज को सिग्निफाई नहीं कर रहा। हस्बैंड का तभी ये मैच मेकिंग में भी बहुत काम आता है, हस्बैंड का चार्ट उस चीज को किसी तरीके से सिग्निफाई नहीं कर रहा। भैया मैं तो सेपरेशन नहीं करता, क्योंकि मेरी पत्नी जब आ रही है मेरे को तो आगे मेरी जो मैरिड लाइफ है ठीक है। तो वहां क्या होगा, वन साइडेड होने से सेपरेशन नहीं होगा, बट नोक झोंक जो एक जिसे कहते हैं मैरिटल डिस्प्यूट्स वो चलते होंगे, मगर सेपरेशन नहीं होने देगा। ये जुपिटर बैठा है वीनस से सेकंड हाउस में, ये सेपरेशन, नाराजगी हो सकती है, थोड़े दिन के लिए अलग रह सकते हैं, दैट कुड बी देयर, बट किसी भी हालत में डाइवर्स। अब यही मान लीजिए हस्बैंड के चार्ट में भी ऐसी सिचुएशन आ जाए, ये वीनस है और यहाँ केतु बैठा है या शनि बैठा है, तो आप मान करके चलिए कि यहाँ पर डाइवर्स जो है वो बहुत ज्यादा पॉसिबल, बहुत पॉसिबल। बताइए गुप्ता जी क्या कहना चाहेंगे? जैसे अगर कोई भी, अब ये वीनस है जैसे जी ये 579 में दृष्टि करेगा, देखेगा, और यहाँ पर कोई जैसे फोर्थ हाउस में, यहाँ देख लिया हमने यहाँ शुक्र से चौथे में, चौथे में, हाँ 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 चौथे में कोई ग्रह है, कोई भी बिठा और दें, हाँ कोई भी बिठा लीजिए ठीक है, हाँ डिग्री वाइज ऐसे हाँ ले लेते हैं, तो हाँ ये शुक्र के बाद आता है गुरु, जैसे इसकी डिग्री हाँ ज्यादा है गुरु की, हाँ तो कोई देखिए इम्पैक्ट होगा, क्योंकि अभी अभी चौथे घर में हाँ तो इसकी आपने आपने दृष्टि। बहुत बढ़िया कहा। मान लीजिए शुक्र से लेकर के गुरु के बीच में कोई भी प्लेनेट नहीं, आपने कहा जी कहना यही है ना, हाँ जी हाँ जी ठीक है। शुक्र सबसे पहले गुरु से मिलेगा, हाँ जी हाँ मूवमेंट जी ऑफ प्लेनेट, ठीक है। जी
अब मान लीजिए यहां पर केतु बैठा है, जी, अब क्या जी. होगा? अब क्या होगा? केतु का फिफ्थ एस्पेक्ट है यहां पर, बिल्कुल है, है ना? हाँ जी. या मान लीजिए केतु जो है वो यहां हो गया, यहां हो गया, या यहां हो गया, ठीक है. अब इस कंडीशन के अंदर में प्रॉब्लम फिर खड़ी हो गई, या शनि यहां हो गया. ठीक है. आज जो वीनस का सेकंड है, जब आप डायरेक्शनल चार्ट देखिए, डायरेक्शनल चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. कोई भी कुंडली मैं बनाता हूं उसके अंदर में सारा का सारा एकदम जो प्रोसेस है वो चेंज हो जाता है डायरेक्शनल अच्छा, चार्ट. हाँ उसी दिशा में अगर ग्रह है. जी बिल्कुल बिल्कुल. आप मान अच्छा लीजिए आपने ये कहा, यहाँ पर मान लीजिए हम वीनस को बिठा देते हैं, ये जी, वीनस बैठ गया चार नंबर राशि में, पांच छह सात नंबर में हमने जुपिटर बिठा दिया, यहाँ पर मरकरी भी साथ में बिठा दिया, यहाँ सन बिठा दिया. मान लीजिए आठ नंबर में हमारा मार्स आ गया, नौ नंबर में हमने केतु बिठा दिया, दस नंबर में मून बिठा दिया, ग्यारह नंबर के अंदर में हमारे पास में शनि है, बारह नंबर में नहीं है, एक नंबर दो नंबर यहाँ केतु है, ये राहु. ठीक है, अब ये कुंडली हो गई हमारे पास. ठीक, अब ये जो डायरेक्शन बनती है हमारी चार आठ बारह की बनती है, ये एक पांच नौ, ये नॉर्थ डायरेक्शन है, ये ईस्ट डायरेक्शन, ये फिक्स है, ये हमारी साउथ डायरेक्शन है दो छह दस, ये हमारी वेस्ट डायरेक्शन है तीन सात ग्यारह. अब यहाँ पर आज मान लीजिए चार आठ बारह में हमारा पास वीनस आ गया, वीनस के अलावा हमारे पास मार्स है और चार आठ बारह में और कोई नहीं. ठीक है, एक पांच नौ में हमारे पास में सिर्फ केतु आ गया. ठीक, अब यहाँ पर हमारे पास में दो छह दस के अंदर में हमारे पास में मून है सर. अब यहाँ पर तीन जी गुरु जी, वीनस मार्स और मरकरी भी है ना? हाँ सॉरी, वीनस मार्स मरकरी. ठीक है, यहाँ तीन सात ग्यारह में हमारे पास जुपिटर है और हमारे पास में सात नंबर राहु सन है. अब आप बताइए जो वीनस की मूवमेंट है, देखिए सूर्य उदय जो है वो ईस्ट से होता है, ईस्ट से सूर्य साउथ की तरफ जाता है, साउथ से हमारा वेस्ट की तरफ जाता है, वेस्ट से नॉर्थ की तरफ, और रात में नॉर्थ से ट्रेवल करके सुबह ईस्ट पे आ जाता है. तो ऐसे ही मूवमेंट ऑफ प्लैनेट्स है, बारह नंबर से एक नंबर में आता है, एक नंबर से दो नंबर, दो नंबर से तीन चार पांच, इस तरीके से घूम रहे हैं. तो वीनस जो है वो सबसे पहले मिलेगा किससे? केतु से मिलेगा. अगर मान लीजिए यहां पर केतु की, वीनस की डिग्री छह डिग्री है, केतु की डिग्री बारह डिग्री है, और मार्स की डिग्री मान लीजिए अठारह डिग्री है, तो ये वीनस प्लस केतु प्लस मार्स का कॉम्बिनेशन बन गया. ये वाइफ है, ये हस्बैंड है, और ये केतु बैठा बीच में सेपरेटर. अब आप मुझे बताइए कि यहाँ पर किसी भी सूरत में गाड़ी चलेगी नहीं, चाहे भले ही वीनस सबसे पहले जुपिटर से मिल रहा, मगर डायरेक्शन के अंदर में अगर आप देखेंगे तो वीनस जो है वो सबसे पहले जुपिटर से, तो बहुत बाद में मिलेगा, उससे पहले उसे मार्स से मिलना है, केतु से मिलना है, मून से मिलना है, जो सारे के सारे उसके एनिमी है, उस वीनस को कहीं ना कहीं खदेड़ गिरेंगे. और बीच में अगर डिग्री किसी और की आती है तो अब क्या आपको लगाना पड़ेगा? देखिए अब मान लीजिए यहाँ पर डिग्री किसी और की भी लगा सकते हैं आप. मान लीजिए ऐसी सिचुएशन है जैसे वीनस के बाद में मार्स की डिग्री आ गई, फिर केतु की आ गई, यहां पर चीजें जो है वो थोड़ी सी बदल जाएंगी. यहां पर हस्बैंड और वाइफ मिल रहे हैं, बीच में सेपरेटर नहीं है. अब यहां पर केतु क्या काम करेगा? बॉन्डिंग का काम. तो आपको देखिए कोई भी चार्ट है जिसके अंदर में डिग्री, जिस बीएनएन के अंदर में राशि है, डिग्री है, कॉम्बिनेशन ऑफ प्लैनेट्स है बहुत आसान, मगर एक बार सिर्फ समझ में आपके बैठना बहुत जरूरी है. इसमें हमारे लिए प्रिडिक्शन करनी बहुत आसान है, जबकि एक नॉर्मल दूसरी एस्ट्रोलॉजी में आपके पास में सबसे बड़ा जो बैरियर है वो बीटीआर है. यहां पर हम कहीं पर किसी बीटीआर की बात ही नहीं करेंगे, कोई जरूरत ही नहीं हमें बीटीआर की. आप किसी भी चार्ट के अंदर में कहीं से भी कोई भी कॉम्बिनेशन लगा करके देखें,
आपको जो रिजल्ट्स है राशि के हिसाब से, प्लैनेट्स के कॉम्बिनेशन के हिसाब से, उन सब चीजों के रिजल्ट आप देखिए ना, एक सिर्फ प्लैनेट रेट्रो होने का ही बहुत बड़ा इफेक्ट आ जाता है, बहुत बड़ा इफेक्ट आता है। किसी भी प्लैनेट का रेट्रो होना इस BNN के अंदर में बहुत इंपॉर्टेंट है, और खास तौर से जो हमारे बड़े प्लैनेट्स हैं शनि और जुपिटर, इनका रेट्रोग्रेड होना बहुत इंपैक्ट देता है, क्योंकि रेट्रो प्लैनेट जो है अपने से 12वें के फल देता है, उस 12वें के ट्राइन में। मान लीजिए किसी भी कुंडली के अंदर सपोज करिए ऐसी सिचुएशन हो, जैसे मैंने बताया शनि के सामने कोई प्लैनेट नहीं है, मान लीजिए शनि चाहे भले ही यहां पर एक नंबर राशि में बैठा है मगर रेट्रोग्रेड हो गया। अब यहां शनि के सामने कोई नहीं है, शनि के आगे कोई नहीं है, पीछे कोई नहीं है, कुछ नहीं है, मान लीजिए 7 नंबर में बैठा है, ठीक है। अब ये शनि रेट्रोग्रेड है, ठीक, यहां पर हमारे पास में सन है, मरकरी है, वीनस है, और यहां पर हमारे पास में जुपिटर है, ठीक है। अब आप इस शनि की स्थिति समझिए, ये शनि अगर ये यहां पर रेट्रोग्रेड नहीं हो तो इस इंसान की प्रोफेशनल लाइफ जो है वो पूरी तरीके से खराब है। प्रोफेशनल लाइफ हैज नो एट ऑल एनी प्रॉब्लम, एनी कोई उसके लिए कोई रिजल्ट्स है ही नहीं है पॉजिटिव, क्योंकि शनि जो है सामने कोई एस्पेक्ट नहीं, यहाँ कोई नहीं है, यहाँ कोई नहीं है, तीसरी दृष्टि कोई नहीं, सातवीं कुछ नहीं, दसवीं कुछ नहीं, शनि बिल्कुल अकेला, ट्राइन में कोई नहीं है, 100% अकेला है शनि। मगर मैं कहता हूं सिर्फ ये रेट्रोग्रेड ही इसको मल्टी मिलीनियर बना देगा, मल्टी मिलीनियर योगा है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट एंड फेम। अब बताइए क्यों यहां पर ये शनि आ गया, यहां पर शनि ने 7th एस्पेक्ट में दे दिया, हमारे पास में सन है प्लस मरकरी है प्लस वीनस है, ठीक है, और यहां से इसने जुपिटर के साथ भी कॉम्बिनेशन बना दिया। ये सारे के सारे जिस किसी कुंडली के अंदर में ये कॉम्बिनेशन है शनि के साथ, आप सोच सकते हैं उसके पास लाइफ में सब कुछ आ जाए प्लस राहु, सुपर सुपर कॉम्बिनेशन फॉर एनी प्रोफेशन, एनी प्रोफेशन। सर जो आप ये जैसे प्लस प्लस करके दिखा रहे हो, इसका मतलब एस्पेक्ट से है, कंजंक्शन से है, या फिर ये इन लाइन? आप देखिए यहाँ शनि आ गया, शनि एस्पेक्ट दे रहा है, 7th एस्पेक्ट है सन मरकरी वीनस, करेक्ट है ना। अब यहाँ पर हम डिग्रियों को बहुत ज्यादा कंसीडर नहीं कर रहे, डिग्री को कंसीडर हम किससे करेंगे, मान लीजिए ये 4 नंबर राशि हो, सपोर्ट 7, 8, 9, 10, 11, 12 नंबर हो जाएगी, वैसे तो वीनस उचका हो जाएगा यहाँ पर, अगर मान लीजिए 4 नंबर राशि होती, सपोज करो ये 4 नंबर राशि होती, ठीक है। अब यहाँ पर ये वीनस है, वीनस पहले ही कमजोर हो गया, 4 नंबर के अंदर में वीनस कमजोर है, ठीक है, ओके। प्लस अब यहाँ पर इसको आगे सन मिल जाता, फिर मरकरी मिलता, तो ये वीनस पिट गया। अब ये जब पिट जाएगा प्लेनेट तो ही कैन नॉट परफॉर्म 100%। अब मान लीजिए इसकी प्रोफेशनल लाइफ में पैसा तो आ गया ना, तो ये पैसे को एंजॉय कर पाएगा ना, इसको पैसे से जो इसको सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा, सिर्फ ये वीनस वीक होने से। आप किसी भी प्लेनेट की पावर देखिए, खास तौर से जो मेन मेजर प्लेनेट्स हैं, हालांकि वैसे तो सारे ही प्लेनेट्स मेजर हैं, बट जो मेजर प्लेनेट हैं लाइफ के अंदर में, जो हमारे लिए देखिए, आज हमारी जो नॉर्मल एस्ट्रोलॉजी है उसके अंदर शनि जो है वो सिर्फ मैलिफिक है, मगर मेरी इस BNN के अंदर में, इस BNN एस्ट्रोलॉजी में इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेनेट to give all kinds of comforts in life. आज आपको शनि के बगैर कुछ भी नहीं मिल सकते, ये पक्का। हाँ बताइए सुनील जी, हो जाए
हाँ जी गुरु जी, एक सवाल था। हाँ बताइए। ऐसा है जैसा कि शनि के दो बारह और सातवें भाव में यदि कोई ग्रह नहीं हो और उसके त्रिकोण में यानी एक पांच नौ में यदि कोई उसका मित्र ग्रह हो, हाँ, तो बढ़िया होगा, बढ़िया होगा। अच्छा, और तीन तीन सात ग्यारह को भी हम लोग कंसिडर करेंगे बिल्कुल गुरु जी? कंसिडर करेंगे सर। आप जब ये डायरेक्शनल चार्ट बनाएंगे तो एक जी पांच नौ के सामने तीन सात ग्यारह आता ही है। जी आज आप ये जब चार्ट बनाएंगे यहाँ पर आप एक पांच नौ लिखेंगे तो तीन सात ग्यारह तो आएगा ही। ये दो छह दस का चार आठ बारह जो है वो तीन सात ग्यारह ही है। इस दो छह दस का तीन सात ग्यारह ही है चार आठ बारह। तो एक पांच नौ के अपेक्षाकृत जो है तीन सात ग्यारह कितना प्रभावित करता है उसमें? हाँ ये बहुत इम्पोर्टेंट, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। देखिए ये बहुत बड़ा सवाल है इस बीएनएन के अंदर या किसी भी एस्ट्रोलॉजी में, मैं मानता हूँ। जी मान गुरुजी, लीजिए यहाँ पर हमारे पास में ये दो प्लैनेट बैठे, जुपिटर को नहीं बैठा। अब यहाँ पर मान लीजिए हमारे पास में ये दो प्लैनेट बैठ गए। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास में बैठ गए, ये बैठ गए वीनस के साथ में। चलो वीनस आ सकता है, वीनस भी आ सकता है। तो यहाँ पर हमारे पास वीनस आ गया और शनि आ गया, ठीक है। और मान लीजिए किसी को बिठा दो यहाँ पे, राहु को बिठा दो या केतु को बिठा दो, ठीक है। और जो हमारे पास में बच गए, मान लीजिए मून बच गया और हमारे पास में मरकरी बच गया, तीन तीन छः सात आठ, और एक कौन सा बच गया हमारे पास में अभी, शनि हो गया, शुक्र हो गया, ये हो गया, ये हो गया, बुध बच गया, तो आ गया, मून हो गया, जुपिटर बच गया, ठीक है। मान लीजिए जुपिटर यहाँ बैठा। अब ये पोजीशन है चार्ट की। अब आप इस चार्ट को कितना पावरफुल मानते हैं? जी गुरुजी, हैं? आज ये जो सामने वाले प्लैनेट्स हैं ये सपोर्ट सिस्टम है। आप मान करके चलिए जिस किसी के चार्ट में जितना, और फिर क्या है सपोर्ट सिस्टम में, क्या है कि ये जो मित्र हैं इसमें मित्र, और वो भी बड़े आराम से बताए गए हैं, बहुत सिंपल, कुछ ज्यादा नहीं है कि ये जो है वो कौन सी मैत्री है, ये मैं कुछ नहीं है, सिंपल सा हिसाब है। देवग्रह है, देवग्रह है हमारे पास में कौन कौन है, जुपिटर है, मार्स है, सन है, मून है और केतु, ये देवग्रह है। और दानव ग्रह कौन से हैं हमारे पास में, हमारे पास शनि है, वीनस है, मरकरी है और राहु। ये सारे के सारे आपस में फ्रेंड्स हैं। कुछ एक्सेप्शंस हैं, एक्सेप्शंस हैं जुपिटर और शनि की, दे आर फ्रेंड्स। खाना दे दूं? हाँ, दे आर फ्रेंड्स। हमारे पास एक्सेप्शन है सन प्लस मरकरी की, दीज आर फ्रेंड्स। हमारे पास एक्सेप्शन है मार्स प्लस मून की, ये जो है एनिमिकल है, क्योंकि दोनों एक दूसरे की राशि में डेबलेटेड। तो ऐसे में हमारे पास कुछ एक्सेप्शंस हैं, उसको छोड़ करके ये पूरे के पूरे आपस में फ्रेंड्स हैं। अब यहाँ सिचुएशन क्या हो गई, ये सन और मार्स और केतु तो हैं देव ग्रह और ये हैं दानव ग्रह। अब आप ये सोच करके चलिए कि चाहे कितनी भी बढ़िया राशि में, शनि मान लीजिए एग्जॉल्टेड भी बैठा है, वीनस मान लीजिए गुरु की राशि में भी बैठा है, कहीं पर भी बैठे हैं, मगर जो सामने सपोर्ट सिस्टम है वो इनिमिकल है, ये परफॉर्म नहीं कर पाएंगे किसी भी हद तक। तो डाउट क्लियर है, इसमें सपोर्ट सिस्टम का बहुत बहुत इंपॉर्टेंस है। तीन सात ग्यारह जी गुरु जी, राम गुप्ता जी बताइए। मैं सर एक, ये तो खैर बहुत अच्छा बता दिया आपने, देव ग्रह दानव ग्रह जी, तो ये एक बेसिक बात आ गई जी। इसमें पॉइंट मेरा ये था जी, जैसे इसको गुरु को ले लेते हैं एक बार जी, जी गुरु की समझते हैं हम चार डिग्री है, एक सेकंड है जी, जी गुरु की चार डिग्री, और फिर इधर आगे ये
शुक्र पे आ जाइए या राहु पे, इसकी समझिए 5 डिग्री है। चलिए 4 डिग्री का गुरु हो गया, शुक्र 5 डिग्री का हो गया। नहीं हाँ? ये आ गया ना, इससे ये 4-8 में है, 4-8-12 में ये 3। अच्छा 4-8-12 में, मतलब यहाँ पर आप किसमें, नहीं आप शुक्र को कहाँ बिठाना चाह रही है? नहीं जो इसकी दृष्टि नहीं बनेगी वो, मतलब अदर देन साइट। नहीं मतलब कहने का ये है, दृष्टि नहीं बनेगी का तो मतलब ये है कहीं ना कहीं पर मान लीजिए 4 नंबर में होना चाहिए। जैसे सपोज करो जुपिटर हमारा 1 नंबर में और वीनस हमारा जो है वो 4 नंबर में, यहाँ दृष्टि नहीं बनेगी। हाँ तो ये गुरु की हम 4 डिग्री लगा लेते हैं या इसकी हाँ। गुरु की 3 लगा लीजिए यहाँ, समझ चलिए कोई बात, इसकी 4 हो गई। हाँ हाँ तो फिर ये गुरु के पीछे आ जाएगा शुक्र? नहीं देखिए गुरु के पीछे तो आएगा ही आएगा, आप समझ करके चलिए, ये गुरु जो शुक्र का मूवमेंट है वो गुरु की तरफ जाएगा। नहीं यहाँ तो 4 नंबर में शुक्र है ना, तो शुक्र को तो गुरु से मिलने, अब गुरु हमारा 4 में बिठा है ना, जल्दी करिए 4 में है, इसको आप 5, 6, 7 नंबर में बिठाइए। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, जो शुक्र की मूवमेंट है अगर डायरेक्शन वाइज जाएंगे तो वो जुपिटर की तरफ जा रहा है, आप मान करके चलिए ये जुपिटर का ट्राइन है, ये 5, 4, 8 नंबर राशि है, तो शुक्र जो है 8 नंबर राशि पे तो चलेगा। अब ये गुरु के ट्राइन की तरफ चल रहा है, गुरु का इफेक्ट इस पर भी है। ये जो मतलब डिग्री से जो सीनियोरिटी बनेगी वो एस्पेक्ट में नहीं, डिग्री का कंसीडरेशन बनेगा आपका कंजंक्शन के अंदर, जब आप कहीं ना कहीं प्राइम को इस्तेमाल करेंगे तो डिग्री का कंजंक्शन बनेगा। अब मान लीजिए जब ये वीनस चाहे 4 डिग्री का होता चाहे 14 डिग्री का होता, ये जुपिटर चाहे भले 3 डिग्री का होता या 30 डिग्री का होता, कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, वीनस ने चलना जुपिटर की तरफ ही है, जो ट्राइन है जुपिटर का उस पे चल रहा। प्लेनेट इज कंसिडर्ड टू बी इन ट्राइन। जी बताइए बताइए। ठीक है सर, सर जी गुरु जी। हाँ हाँ बताइए बताइए। सर प्रेडिक्शन कैसे करते हैं सर? प्रेडिक्शन देखिए टाइमिंग ऑफ इवेंट्स, बेसिकली टाइमिंग ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप देखिए मान लीजिए इस वक्त 10 नंबर के अंदर में शनि जा रहा है, अब यहां से जुपिटर भी चल रहा है इस वक्त में। अब आप ये सोचिए देखिए वैसे तो इसके अंदर में जुपिटर के ट्रांजिट के हिसाब से वो पूरे के पूरे 6 राउंड हम कंसिडर करते हैं जुपिटर के, उसके हिसाब से हम प्लैनेट्स इन एक्टिवेशन देखते हैं, उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा वो मुझे समझाने में, फिर भी यहाँ पर मान लीजिए कोई भी प्लैनेट, सपोज करिए किसी की कुंडली के अंदर यहाँ पर शुक्र बैठा हुआ, किसी की कुंडली में यही 10 नंबर राशि के अंदर केतु बैठा, आपको 90% केस के अंदर में अगर यहां पर केतु बैठा है तो प्रोफेशनल प्रॉब्लम है, 100% चार्ट के अंदर में। मान लीजिए यहां पर मून बैठा है या मार्स बैठा है, ये जितने भी शनि के एनिमिकल प्लैनेट्स हैं इनमें से कोई भी शनि ट्रांजिट कर रहा है इनपे से तो ये प्रॉब्लम देंगे। अब मान लीजिए शनि 11 नंबर में जाएगा, 2nd राउंड का शनि है किसी का, ये वीनस और मरकरी हैं, आप ये मान करके चलिए इसकी लाइफ का सबसे प्रॉस्पर पीरियड है ये प्रॉस्पेरिटी का, अगर इसने कोई भी लैंड परचेज करनी है लाइफ में कुछ भी आगे बढ़ना है, दिस कुड बी द गोल्डन पीरियड ऑफ हिज लाइफ, बिकॉज सैटर्न इज गोइंग टू ट्रांजिट फ्रॉम April 22 ओवर दिस वीनस एंड मरकरी। Anybody. सर इसी कंडीशन में 11 नंबर के राशि में सूर्य बुध होते हैं? जी बताइए। इसी कंडीशन में 11 नंबर की राशि में सूर्य बुध हो और शनि वहां से अप्रैल 2022 में ट्रांजिट करेगा तब? एक सेकंड, विष्णु बोल रहे हैं ना? जी सर। हाँ यहाँ पर मान लीजिए 11 नंबर में सूर्य बैठा है, बुध बैठा है और बस यही है सर। चलो अब शनि यहाँ पर ट्रांजिट करने आएगा, मरकरी भी वीनस भी आसपास ही होगा कहीं, मान लो 12 नंबर में वीनस भी है। हाँ 12 नंबर में वीनस, ठीक है।
अब क्या होगा, यहां पर शनि जब ट्रांजिट करने आएगा, दिस इज अ गुड पीरियड। आज मान लीजिए सूर्य के ऊपर भी ट्रांजिट, देखिए शनि का जो ट्रांजिट सूर्य पे है ये पिता के लिए तो परेशानियां हैं, नेटिव के लिए नेम फेम है, नेटिव के लिए प्रॉब्लम नहीं है शनि का सूर्य पे ट्रांजिट। बुध के ऊपर भी प्रोस्पेरिटी है, मगर जो एक्चुअल प्रोस्पेरिटी जब मिलेगी, जब लाइफ का बेस्ट पीरियड जब आएगा, जब यहां पर शनि 12 नंबर में वीनस के ऊपर है। देखिए मरकरी वीनस में से जो प्लेनेट आगे है, जो भी प्लेनेट आगे है, जिसकी डिग्री ज्यादा है, जो अगली राशि में है या सेम राशि में भी है, जिसकी डिग्री ज्यादा है, उसकी डिग्री टच करते ही शनि जो है बड़ा फ्रूटफुल हो जाएगा उस नेटिव के लिए, जिसकी भी कुंडली में सेकंड राउंड का शनि 30 से 60 साल के बीच में शनि जा रहा है, 30 से 60 साल के। हाँ बताइए गुरु जी, जैसे यहाँ सन मरकरी के ऊपर से जब सैटर्न निकल रहा है जी, तो कहने का अर्थ यह हुआ कि सन चूंकि पिता है सन पिता है। हेलो हाँ, तो कहने का मतलब वहां पे जो सैटर्न डैमेज करेगा वो लिविंग थिंग्स को डैमेज करेगा ना लिविंग थिंग्स को बढ़ाएगा। को, हाँ, सिर्फ पिता के लिए थोड़ा सा बढ़िया टाइम नहीं, पिता के लिए परेशानियां, पिता के लिए कष्ट हो सकते जब वो शनि अच्छा, जी। अच्छा दूसरा एक विषय अभी शेष रह गया था गुरु जी। हेलो हाँ बताइए। प्रश्न ये था जैसे कि सबसे पहले यदि हमें युति बनानी हो, युति जब ग्रहों की युति बनानी है तो 1-5-9 का विचार सबसे पहले करेंगे। बिल्कुल 1-5-9 का सबसे पहले जी। उसके बाद 2 और 12 का 1-5-9, 2-12-7 वैसे तो 3-7-11 सभी है क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगा, मगर ये दो इसमें देखिए ये वाले जो रिजल्ट हैं ये काफी इम्पैक्ट है, ये दो जो है 90% इंपैक्ट देता है किसी भी। मैंने बताया ना, मान लीजिए यहाँ शनि है, यहाँ वीनस है, उसे 100% सपोर्ट करनी है इसको, मतलब वो मना नहीं कर सकता इसको सपोर्ट करने के, बिकॉज मूवमेंट ऑफ प्लेनेट। शनि इस तरीके से जाएगा वो मिलेगा तो है शुक्र से, शुक्र के पास में मजबूरी है उसे सपोर्ट करना ही करना। मान लीजिए ये कोई और भी प्लेनेट है, एनिमिकल प्लेनेट भी हो, तभी कहते हैं शनि से अगले भाव में केतु अच्छा नहीं है, यहाँ से ये शनि है, ये केतु है, यहाँ केतु है, डिग्री वाइज ज्यादा है, यहाँ केतु है, दिस इज नॉट गुड फॉर द बिगनिंग ऑफ एनी प्रोफेशनल लाइफ, नॉट गुड फॉर एनी बिगनिंग। और 3-7-11 में 7 को खास तरजीह देनी है। हाँ 7 भी इम्पोर्टेंट है, 7 भी बिल्कुल। देखिए शनि की स्टेजेस है, ये इनिशियल स्टेज ऑफ प्रोफेशन है, ये मिडिल स्टेज ऑफ प्रोफेशन है, ये 10वीं दृष्टि जो शनि की है, दिस इज द लेटर स्टेजेस ऑफ प्रोफेशन। आज यहाँ पर सन मरकरी बैठ गया, आपको लेटर स्टेजेस में बहुत अच्छा कर देगा। वीनस बैठ गया, दिस विल डू अल्टीमेटली गुड इन सम टाइम, आफ्टर सम टाइम। इनिशियल यहाँ केतु बैठ गया तो शुरू में तो तकलीफें पक्की है ही है, यहाँ मंगल बैठ गया मिडल भी अच्छा नहीं रहा। जी गुरु जी आप क्लियर है जी। हाँ गौरव जी आप बताइए। ये सर आप जो बता रहे थे ये प्रोग्रेशन में देखेंगे तो जिस हाउस पर जो सवाल, कहीं पर ही अब्सर्ड सवाल भी आ जाते हैं बीच में, बट मगर फिर भी कोशिश ये रहती है अच्छे सवाल हो, हेल्दी क्वेश्चंस हो तो सभी लोगों को सीखने के लिए मिलता है। अक्षय जी आप कुछ मैं तो सिर्फ दिग्नारी हूँ, मैं सीखता रहूंगा। बोलिए ना अक्षय जी। सर 89 से सेल्फ स्टडी शुरू किया मैंने ज्योतिष की, आज 33 ईयर हो गए, की लंबी जर्नी, कंफ्यूज हमेशा रहा, कोई टीचर कोई गुरु कभी नहीं मिला, सेल्फ स्टडी तमाम जितना ज्योतिष का साहित्य हो सकता था मैंने भी अपनी लाइब्रेरी सजा ली और पूरा पढ़ते रहा। कंफ्यूजन तो रहता है था, गुरु कभी कभी मिला नहीं, प्रत्यक्ष गुरु कभी नहीं मिला। पराशरी, जेमिनी, केपी, नाड़ी, लाल किताब, अष्टकवर्ग, कस्पर, लिंक थ्योरी सब पढ़ डाला, और आपके वीडियो देखने के पहले मैंने BNN की भी बुक्स ले आया और राव साहब की तमाम बुक्स पढ़ना शुरू कर दिया, कुछ तो समझ में आया, लेकिन जो सही मार्गदर्शन प्रैक्टिकल आपसे मिला वो शायद कभी बुक्स से मुझे नहीं मिल सकता था। पढ़ा सब कुछ, मेरी शायद बहुत लंबी जर्नी है, कभी कोई गुरु नहीं मिला, ये मुझे खेद था, आप मिले और मुझे काफी हद तक के अब मैं सेटिस्फाई हूँ और मैं अलग होना नहीं चाह रहा हूँ,
रिसर्च के माध्यम से आपसे जुड़ा हुए रहना चाहिए। जरूर जरूर, जिन्होंने भी ज्वाइन करना होगा रिसर्च बता दीजिएगा मेरे को ना। नीरजा जी आप कुछ कहना चाह रही हैं? जी सर जी, पहले तो थैंक यू करूंगी सर आपका, आप बहुत पेशेंटली आप पढ़ाते हैं, इरिटेट नहीं होते हैं, कितनी भी बार आपसे क्वेश्चन पूछ लो, मेरे क्वेश्चन तो शायद कभी कभी मुझे भी लगता था कि बहुत इररिलेवेंट पूछ रही हूँ, लेकिन जवाब मिलते थे। मैंने कोरोना में ये शुरू किया जब मेरा बिजनेस बिल्कुल खत्म हो गया, तो कुछ भी करने को नहीं था, तो देन आई स्टार्टेड दिस। तो बहुत बढ़िया जर्नी रही सर। प्राश्री मैं 1.5 साल से कर रही थी, लेकिन मेरे को इतनी एक्यूरेसी नहीं आई थी। अभी किसी का कनाडा से मुझे चार्ट पढ़ने को मिला, तो अमेजिंगली मैंने उसको जो बातें, उसकी उसकी बेटी का चार्ट था, कोई नोन था, तो मैंने जो बातें उनको कही, उन्होंने मेरी मैंने क्वेश्चनेयर उनको भेजा कि ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा हुआ, उन्होंने एक बात को बोला कि नहीं मेरी बेटी ने, मैंने उसको कहा कि इसका चेंज ऑफ स्ट्रीम होएगा, तो उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है। बातें करते करते वो मुझसे बोले कि चेंज ऑफ स्ट्रीम हमारे ऐसा नहीं होता कि कोई लॉ करता है तो लॉ ही करा जाता है, उनको एक पर्टिकुलर करना पड़ता है, बाद में ये लॉ की डिग्री करते हैं, तो ये इनको बदलना ही पड़ता है। तो मैंने कहा वही मेरा आ गया ना फिर की चेंज ऑफ स्ट्रीम, तो ये हो गया ना, पहले ये लॉ नहीं करती। आई मीन आई वॉज 100% आई वॉज सो वेरी हैप्पी दैट डे जब मैंने उनको बोला, और ये एक्यूरेसी मेरे को इतने मेरे शॉर्ट स्पैन जो मेरा एस्ट्रोलॉजी में रहा है उसमें भी, जो मेरा BNN के साथ बहुत शॉर्ट स्पैन रहा है उससे आया, एंड इट इज ऑल बिकॉज ऑफ यू सर। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सो कंसिडरेट मेरे इररिलेवेंट क्वेश्चंस का भी आंसर देने के लिए, और बाकी सभी का भी बहुत बहुत थैंक यू, और मैं आगे भी जुड़ी रहना चाहूंगी जमा कॉल का, जैसे बनीत बार बार इतना कह रहे हैं, आप कह रहे हो, तो मैं दोबारा करना चाहूंगी सर आपसे जमा कॉल भी। आप प्लीज कोई एक ऐसा ग्रुप फॉर्म कर दें जो इंटरेस्टेड है, कि पता लग जाए कि इतना ग्रुप हो गया, तो फिर आप लोग पर्सनली भी कर सकते हैं कि हाँ कौन कौन करना चाहता है। अगर मान लीजिए मेरे को प्रॉपर स्टूडेंट्स मिल जाते हैं तो मैं जमा कॉल कर दूंगा, मुझे कोई ऐसी प्रॉब्लम। सर आई रिसर्च ग्रुप की सर एक दो दे दीजिए क्लासेस, फिर हम रिसर्च ग्रुप भी ज्वाइन कर लेंगे, देख लेंगे कोई ऐसी प्रॉब्लम। रिसर्च में आप आ सकते हैं, मैं आप लोगों को लिंक भेज दूंगा, कोई जो भी ज्वाइन करना चाहे मुझे पर्सनल मैसेज कर दीजिए, मैं बता दूंगा। हिमांशु सर एक चीज और शेयर करना चाहेंगे सर, मेरा मेरा तो इंटरेस्ट है, मेरा पहले से ऐड कर लीजिए। हां बिल्कुल बात जमा कॉल में मुझे भी ऐड कर लीजिए सर, एक चीज शेयर करना चाहेंगे आप। जी बोलिए बोलिए तरुण जी। मिखा से D1 चार्ट पे इतना बढ़िया प्रेडिक्शन मिखा से और कोई भी इस चीज नहीं देती है, नहीं देती, चाहे वो पराचली हो। आप ठीक कह रहे हैं, D1 चार्ट पे कोई प्रेडिक्शंस नहीं दे पाता है, और चाहे केपी हो चाहे कोई लिमिट नहीं है, घंटा आधा घंटा आगे पीछे हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग कहते हैं जी इतना टाइम ये BTR वो BTR क्या रखा है, BTR आप कर दो, हमें लगा हमें यहाँ पे सर एक बेनिफिट, यहाँ पे एक बेनिफिट, एक बेनिफिट सर हमको और हुआ हमने, क्योंकि वो वेस्टर्न हिट थोड़ी और साथ में कुछ एक आध चीजें और ऐड की हुई है, जब हम उसमें BNN ऐड करते हैं ना इट गिव्स मोर एक्यूरेसी, मतलब वो एकदम मतलब तुरंत पकड़ में आती है। मैं एक चीज आपसे फिर कहूंगा, बार बार कहता आया हूँ आज तक फिर कहूंगा, BNN इज अ डिवाइन साइंस, आप मानिए ना मानिए, हम इसे अगर हम इसे ना जिसे कहते ना आदमी एक लेबोरेटरी के अंदर टेस्ट करे, इसमें लगन नहीं है, इसमें दशा नहीं है, इसमें ये नहीं है, वहां पर इसमें से कुछ भी निकल के आने वाला नहीं, ये तो सेल्फ में एक ब्यूटी है, इसको हम टेबल पे नहीं लिटा सकते कि हाँ जी अब इसके अंदर लगन नहीं है, इसका आप टाइम नहीं देख रहे हो, आप ये जुपिटर बैठा रहेगा, ये सब चीजें इस पे एप्लीकेबल नहीं होती। आप देखो ना, आप शिव पार्वती की बनी हुई चीज है ना, मैं झुटला सकता हूँ ना आप लोग, उनसे आशीर्वाद प्राप्त हो, मुझे आशीर्वाद है कि मैं उस चीजों को आप तक लेके आ रहा हूँ और आप वो चीजें मुझसे ले रहे हैं,
उनकी ब्लेसिंग्स के बगैर हो ही नहीं सकता। मैं इसमें कुछ भी नहीं हूं। मैं कल मेरे से किसी ने पूछा था, कल पूछा था, परसों पूछा था, सर आप इसमें, मैं कहता हूं मैं तो दूर दूर तक मेरा वास्ता नहीं है, ये तो पास्ट लाइफ, इस जन्म में देखोगे कुछ नहीं दिखाई दे रहा मेरे चार, ये पास्ट लाइफ से रिलेटेड है जो मैं इस चीज से जुड़ा हूँ, मैं ये सब चीजें, और स्पेशलाइज्ड इन बीएनएल, आज तक सब लोगों ने सब चीजें दी है, पराशरी के भंडार भरे पड़े हैं, लोग दे रहे हैं, मैं थोड़ा सा हट करके, मुझे, मैं केपी का भी बड़ा अच्छा मास्टर हूँ, सब कुछ है, मैं केपी को प्रमोट नहीं करता, ठीक है पढ़ाता हूँ, एक बैच लिया भी है केपी का, दो तीन बैच कर चुका हूँ पहले, बट उतना मेरा इंटरेस्ट, मजा नहीं आता पढ़ाने में जो मजा बीएनएन पढ़ाने। तो सर यहाँ कहीं ना कहीं लगता है कहीं कुछ ना कुछ कर्माज हमारे आपसे जुड़े होंगे। हमको बीएनएन के बारे में कुछ भी सर पता ही नहीं था, एक ग्रुप था हमारा एस्ट्रोलॉजी वाला, उसमें ये लोग फटाफट प्रेडिक्शन देते थे कि, तो बोलते थे बीएनएन से हो रहा है, तो हमने इंटरनेट पे सर्च करना चालू किया हमने कि सर बीएनएन क्या चीज होती है, हमको बीएनएन का फुल फॉर्म भी नहीं मालूम, जानते नहीं है लोग बीएनएन, जानते ही नहीं है, मतलब बहुत से लोग, हमने आपके वीडियोस देखे सर, आपके और बहुतों के वीडियोस देखे, एंड फिर हमने कहा ये तो डिवाइन नॉलेज है, फिर वो जो आपके चीजें थी जिस तरीके से आप एक्सप्लेन कर रहे थे, सो नमन ही कर सकते हैं और चरण स्पर्श कर सकते हैं आपके सर, इट वॉज ए डिवाइन नॉलेज। ये तो मैंने कहा ना, मैं तो बीच का मीडिएटर हूँ, वो तो आपको और उसको जोड़ना है, मैं तो बीच एक निमित्त हूँ बस, और कुछ नहीं। जी सर, इच्छा है हाँ, सर, मैं कुछ कहना चाहूंगा सर, बहुत देर से इतना जुड़े रहने के लिए और इतना हमारे दिमाग की खिड़कियां खोलने के लिए, अमेजिंग अमेजिंग जर्नी सर, यू आर ऑलवेज वेलकम, ऑलवेज वेलकम। हिमांशु बोलो सर, मैं छोटी सी बात बताऊंगा सर, एस्ट्रोलॉजी मैंने सीखने की कोशिश करी 2005 में, मैं कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाया, मैं इवन क्लासेस भी पूरी अटेंड नहीं कर पाया जी। मैंने फिर कोशिश की 2021 में, मैं फिर भी बहुत सक्सेसफुल नहीं हो पाया। दिस इज फर्स्ट टाइम कि मैंने, इसके लिए मैं आपका और सारे बैचमेट्स का रियली वेरी थैंकफुल हूँ, क्योंकि उसके पीछे बहुत बड़ी वजह है, तब तक आपको एक अच्छा माहौल नहीं मिलता ना, तब तक आप सीख नहीं पाते, और आई एम रियली वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू एंड स्पेशली टू यू सर। सर मैं इनफैक्ट समझ पाया, क्योंकि इंटरेस्ट होना अलग बात है और उस चीज को कंप्लीट कर पाना बहुत अलग बात है सर, मैं आपके साथ जुड़ के सीख पाया थोड़ा सा उसको, इम्प्लीमेंटेशन तो अपना खुद का एफर्ट होता है, आगे जी एक जर्नी है लंबी, पर लेकिन सच में मैं आपके साथ जुड़ के कम से कम वो एक जो एक था ना, जो आज तक कंप्लीशन तक नहीं पहुंच पाता, सीखने में भी नहीं पहुंच पाता था, एटलीस्ट वो तो कुछ अचीव हुआ, जो मेरे को बड़ा बहुत थैंकफुल हूँ सर आपका, मैं पहली बात। दूसरी बात सर, सबसे ब्यूटी जो मेरे को लगती है बीन, जो लगी मुझे, मुझे बाकियों का बहुत ज्यादा पता भी नहीं है तो मैं ज्यादा खास कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन जो मैं आपके साथ सीख पाया, एवरीथिंग इज, आप कहते ना वाव फैक्टर, आप कहते ना इंस्टेंट, मतलब कि क्लासेस के बाद हर कोई यही करता है अपनी कुंडली में या अपने नोज की कुंडली में उसको लगा के देखता है, और जब वो चीज दिखती है साफ होती हुई तो वो उसको अंदर एक कॉन्फिडेंस देता है इंसान का कि हाँ यार ये हो रहा है, यही खास चीज है इसके, जब आप पढ़ते हैं और उसे लगाते हैं और आप देखते हैं रिजल्ट है, इट मेक्स यू कॉन्फिडेंट, आप इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाते हैं चीजों के प्रति, उसी से ही आपकी प्रिडिक्शंस आएंगी, क्योंकि जब तक आप कॉन्फिडेंट नहीं है तब तक प्रिडिक्शंस कैसे कर पाएंगे, कर ही नहीं सकते भाई, आप चीजों को प्रैक्टिकल, मैं कहता हूं ऐसी ऐसी चीज निकल करके आती है, आप किसी के बारे में देख रहे हैं, वो आपके नोन है, आप उनके बारे में सब कुछ जानते हैं, जब उनके चार्ट में वो चीजें रिफ्लेक्ट करती हैं, अमेजिंग अमेजिंग, आज छोटी छोटी चीजें हैं, हम लोग पढ़ते हैं और जब वो चीजें सुनने में मिलती है कि हाँ ऐसा ही है, अरे फिर हम कैसे कह दें जुपिटर एक साल एक राशि में बैठा रहता है, रिजल्ट मिल रहे हैं, हम क्या करें, बैठता है बैठा रहे, हम मना थोड़ी कर रहे हैं, रिजल्ट मिल रहे हैं, उस चीज का है कि हाउ इज इट हैपनिंग,
ये आदमी ये कहता है एक साल एक साल, सारे लोग एक से पैदा होंगे, हमें नहीं पता, हमारे पास तो जो आ रहा है वो ऐसा ही है, हमें नहीं मालूम सबका, हम सबके बारे में तो जानते नहीं है ना, हमारे पास सब आ रहे हैं, हम तो उसके बारे में जानते हैं जो हमारे पास आया है, जिसे डिवाइन ने हमारे पास भेजा है, जस्ट टू सी दैट व्हाट वी आर सीइंग इज देयर। बस अब हम क्या करें भाई, हमने तो कुछ नहीं बनाया, ये तो उन्होंने बनाया, हमने तो सिर्फ आगे किया। मैं इसीलिए कहता हूं इसके सिर्फ ऊपर आप भरोसा करिए, बस ये आपको ऐसी ऐसी चीज ऐसी ऐसी बिकॉज यू आर सो यंग पीपल, आप इतने अभी देखो ना, हिमांशु है, विनीत है, छोटे आप नंदी बैठी है, राजीव है, चलो भाई हमारी तो उम्र हो गई, ओम प्रकाश जी की हो गई, स्वामी सारे हैं, चलो भाई हमारी, बट जो आप लोग बेताब जी हैं, ये सब आप लोग इतने यंग लोग हैं, इट्स होल लाइफ इज देयर। अभी तो आपने बहुत कुछ सीखना है, आप सीखेंगे भी बहुत कुछ रियली सर, और मैं कहूंगा आपसे बहुत कुछ सीखना। और सर एक चीज मतलब की जो मेरी इच्छा है वो पता नहीं कब पूरी होगी, क्योंकि वैसे तो खैर आप मेरे पास बहुत पास आ जाएंगे, लेकिन तब भी मेरी बड़ी एक इच्छा है कि किसी भी एक दिन आके खाली आपके पांव छू के जाऊं बस। नहीं आप जरूर आइएगा नोएडा, आप नोएडा में ही है ना। हाँ जी हाँ जी, भाई रियली सर जब होता पता है क्या, जब आप सीखते हैं और आप जब उस चीज को लगाते हैं, मैं आज तक क्यों नहीं सीख पाया, क्योंकि सर होता है क्या कि सीखना जो सीखने को मिलता है ना उसमें इतना वास्ट हो जाता है कि आप उसमें छाटने में ना इतनी मेहनत लग जाती है कि आपको लगता है हाथ में तो कुछ भी नहीं आया। तो जो आपका वे ऑफ लर्निंग है, आपके वे ऑफ टीचिंग है, जो आपकी वे ऑफ टीचिंग है, और जो इवन जो इसमें से निकल के आया ना, उसने इतना कॉन्फिडेंस दिया और उसने इंटरेस्ट पैदा किया, एटलीस्ट मजा आ गया। आज हाँ बोरियत नहीं, अगर मैं सब्जेक्ट कोई भी अगर बोरिंग है मजा नहीं आता उसमें ना कुछ तो होना चाहिए। आज मुझे पढ़ाने में मजा नहीं आता, जब तक ये सब चीजें नहीं हो ना तो इंटरेस्ट नहीं बनता पढ़ाने में। सर सर यहाँ पे दो दो पॉइंट हम ऐड करना चाहेंगे। तो पहला पॉइंट एप्रिसिएशन पे है सर की ये पूरी जर्नी में सारी चीजें जो थी बहुत बढ़िया थी, अच्छे से थी, और सबसे जो बड़ी चीज थी जो हमको अच्छी लगी कि किसी ने कोई भी क्वेश्चन पूछा, चाहे हमने पूछा या जितने भी हमारे बैचमेट्स हैं, रिप्लाई वाज लॉजिकल, इमीडिएटली सेटिस्फाइंग, मतलब ना कोई इफ और बट नहीं, टू द पॉइंट, और ये लॉजिकल आंसर है, मतलब आप इससे कहीं इधर उधर हिल ही नहीं सकते, टू द पॉइंट आंसर था सर, लॉजिकल था। ये आप लोगों ने सिखाया हुआ है, मुझे नहीं आता, मैं आपकी क्लास के बाद में ब्लैंक हो जाता हूँ बिल्कुल, यू वोंट बिलीव, जिस वक्त क्लास लेने बैठता हूँ मेरे माइंड तब चलना शुरू होता है, उसके आगे पीछे मैं बिल्कुल, मुझे नहीं पता, कुछ नहीं आता मुझे बस। हाँ, लेकिन सर जो क्वेरीज के आंसर आप देते हैं ना सर, दैट इज टू द पॉइंट एंड विद लॉजिक्स। तरुण जी विश्वास मानिए, मैं आपसे फिर कहूंगा, आप लोगों को विश्वास हो या ना हो, मुझे नहीं आता, ये आंसर्स डिवाइन देता है, मान लो मेरी बात, मुझे नहीं आता, मुझे मालूम नहीं है, बिना बिना भगवान की इंटरवेंशन के मेरे को नहीं लगता कि हम इसको कर भी सकते हैं। हम नहीं, मैं मेरे केस को जानती हूँ कि ये डिवाइन वो अट्रैक्ट करती है एस्ट्रोलॉजी पढ़ने के लिए। देखो तो सही, आज मैं कहां से बता दूंगा, आप ऐसे टेढ़े-मेढ़े सवाल भी पूछ लेते हैं, मैं कहां से बताऊंगा, मेरे को इतनी नॉलेज थोड़ी है, मैं तो सिर्फ ये जानता हूं कि वो देता है बस, कि मैंने तो उसके ऊपर छोड़ दिया, भैया तू करवा रहा है, आप जवाब भी मुझे नहीं पता। लेकिन सर एक 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 प्लस हमको भी मिला आपके साथ सर, आपकी जो स्पीड ऑफ राइटिंग जो है ना, उससे हमारी भी लिखने की स्पीड काफी बढ़ गई। I'm still trying to match it, but hopefully next course में वो मैच हो जाए शायद। अब जैसे आज की क्लास हमने शुरू करी, कुछ छूट गया,
मैं फटाफट बिंदु से पहले ये लिख रहा हूँ, ये दो। तो मेरी अपनी एक कोशिश रहती है कि, और आई एम जैसे कि ना, मेरे पास इतना कंटेंट है, इतना सब कुछ है जो अभी भी मैं दे रहा हूं ना, दे आर जस्ट पीनट्स। तो सर जब आप बोलते हैं ना, जब हम अपने क्या बोलते हैं नोट्स बनाते हैं, तो हम आपको लिखते हुए और सुनते हुए नहीं, सिर्फ आपको लिखते हुए नहीं देखते, तो सुनते हुए नोट्स बनाते हैं और बीच बीच में कई बार हम लोग को स्टॉप भी करना पड़ जाता है, अरे यार ये ऐसे वो स्टॉप इट, फिर उसको कंप्लीट करते हैं। सर मैं भी एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा जो कि आपकी वे ऑफ टीचिंग को लेकर है, क्योंकि आपने जैसे खुद कहा कि उमंग तिनेजा जी भी अपने वीडियो डाल देते हैं, और आप समझ सकते हैं सर हम सब लोग जब भी जो हैं वो बहुत सारे वीडियोस देखते रहते हैं। सर सबसे इम्पोर्टेंट होता है एक टू द पॉइंट होना। वीडियो में इंसान अपनी टीचिंग में तो बहुत कुछ इंसान बता सकता है ना। अब सबसे एक बात टू द पॉइंट होना, दूसरी बात किसी भी चीज को लेकर डराना नहीं। जैसे आपने हमेशा शुरू से कहा था कि जब भी आप करें किसी को डराए नहीं, ठीक है। अब बहुत सारे स्टॉल जब हैं जिनके हो सकता है एक वीडियो पे शायद बहुत सारे व्यू आते हो, दैट हार्डली मेक्स अ डिफरेंस, पर लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है सर कि वो कुछ भी बोलते हैं और आपके साथ अच्छी पता है जो कन्विक्शन कहाँ से आती है, जब कन्विक्शन आती ही टू द पॉइंट से है। किसी बंदे ने एक घंटा बोला, किसी बंदे ने सिर्फ 15 मिनट बोला, अगर 15 मिनट के अंदर वो अपना पूरा मैसेज डिलीवर कर पाया तो इंसान को मैसेज वही सीखना तो वही है खाली 15 मिनट का। तो होना भी यही चाहिए, अगर आप अपने सब्जेक्ट से ही हट गए तो यू कैन नॉट डिलीवर। आप कैसे डिलीवर करोगे भाई? एक चीज मैं सीधी सीधी सी बात जानता हूं, मेरा मैं एक चीज जरूर अपने में मैं महसूस करता हूं, मैं किसी भी चीज को बड़ा सिंप्लीफाइड बनाना चाहता हूं, मैं कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना चाहता। मेरी एक चीज मैं अपनी मानता जरूर हूं, और इस चीज को मैं एक डिवाइन ग्रेस ही मानता हूं कि मैं चीजों को बहुत आसान तरीके से दिखाना चाहता हूँ, उसको कॉम्प्लिकेशन नहीं है। आज मैं आज आपको कोई चीज समझा भी रहा हूं तो मेरे को ये लगता है कि सबसे आसान तरीके से आपके कैसे समझना है, वो चीज बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, तभी आप समझ पाएंगे, कैसे समझेंगे बहुत मुश्किल। कल जैसे मैंने अपनी खुद की कुंडी लगाई, आपने उस पर अपने जो कमेंट्स दिए, तो आपने मुझे जो इवन बहुत लोगों को कुंडली दिखा चुका हूं मैं, तो इंस्टॉल में इंटरेस्ट इंसान का आता है तभी, जब जो चार जगह जाता है उसे आंसर नहीं मिलता तभी इंटरेस्ट आता है, और मतलब हर जगह पे सिर्फ यही कहानी होती थी कि वो कुछ बोल रहे हैं, अब आपको उसमें से कुछ भी मैच होता दिख ही नहीं रहा कि जिंदगी कैसी है, जाइए राइट डायरेक्शन में वो बोल रहे हैं लेफ्ट डायरेक्शन में, फिर तो 180 डिग्री गैप आ गया। अब जैसे कल आपने कुछ बातों को समझा, और मैं ऐसा होता सब हमेशा सा मैं आपसे जो सीख पाया हूँ ना, वो ये सीख पाया हूँ कि अगर मान लीजिए एक चीज नहीं भी आ रही है, जैसे मान लीजिए कुछ चीज समझ में नहीं भी आ रही है, तो जैसे कल जो कैलकुलेशन से ये समझ में आया कि हो सकता है शायद मैंने अब तक अपनी कुंडली का BTR नहीं किया है, D150 नहीं किया है, तो शायद वहां से और क्लैरिटी आए, बशर्ते मैं आपसे कल उस पर बैठ के खामखा डिस्कशन करता तो मैं स्टूपिड था। मैं पहले मुझे जाके अपना BTR करना चाहिए, उसका D150 करना चाहिए, उसके बाद कुछ तो कुछ सेंस बनती है। आप देख सकते हैं, हाँ सर पूरे कोर्स में मैंने सर आपसे एक ही चीज ऐसी सीखी जो हम आज आपसे शेयर करना चाहते हैं जी। जो नहीं दिख रहा उसको मत देखो, हाँ दिख रहा है छोड़ दो, जो दिख रहा है उसी को देखो, जो नहीं दिख रहा है देखने के लिए इतना कुछ है, देखें जो नहीं दिखता ना। ये कंक्लूजन है सर आपके पूरे कोर्स का, क्योंकि बहुत सारे लोग नहीं दिख रहा है उसको खोजने में लग जाते हैं, देखो नहीं दिख रहा है ना। अपने क्लाइंट को एस्ट्रोलॉजिकल भाषा में मत बोलो, उसे बहुत सिंपल, वो बेचारे को नहीं आती एस्ट्रोलॉजी, आप उसे ढिमकाना वहां का ये बैठ गया उसको डराओगे धमकाओगे, बेचारा क्या करेगा, वो पहले ही बेचारा भयभीत है, पहले ही डरा सहमा है, आपने और इसको बैठ भाई। नहीं सर वो पूरे आपने जो पूरा ज्ञान दिया ना उसका अगर एक एक सेंटेंस में अगर हम नोट निकालें तो जो नहीं दिख रहा उसको प्लीज मत पकड़ो ना, छोड़ दो पकड़ो। प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम, बोलो अमरजीत। प्रणाम सर, मैं 20 साल से कर रहा था 2000 से एस्ट्रोलॉजी जी, और मैं पराशरी ही कर रहा था और वास्तु भी कर रहा था जी। लेकिन जो इस वक्त सही दिशा दी है आपने ना, हम मेहनत तो कर रहे थे लेकिन हमारी दिशा सही रही, आपने जो दिशा दी है ना उसका कोई जवाब नहीं है, अल्टीमेट है एकदम। और बहुत ही अच्छा आपके साथ जो 4 महीने बीते इसमें मैंने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ सीखा। थैंक यू
जिसका मैं शब्दों में शायद वर्णन नहीं कर पाऊंगा। थैंक यू सो मच। और सर मैं आपसे हमेशा जुड़े रहना चाहूंगा, मैं किसी ना किसी रूप में जरूर जुड़ूंगा। जरूर। और आपकी अभी जो क्लास आ रही है अपना एडवांस वाली, एडवांस क्लासेस जो रिसर्च क्लास, उसको मैं निश्चित रूप से अभी तुरंत ज्वाइन करूंगा। और सर आपसे मैं बिल्कुल जुड़े रहना चाहूंगा क्योंकि बहुत कुछ सीखने को मिला है। और उसके बाद जैसे विनीत जी ने कहा जमाल कॉल रिसर्च में बहुत इंटरेस्टिंग है। मुझे अगर मेरे से पूछो तो मुझे अगर मेहनत करनी पड़ती है किसी भी कोर्स के लिए तो वो रिसर्च के लिए करनी पड़ती है, बाकी किसी कोर्स के लिए। आप हमारा अलग से ग्रुप बनाएंगे या हमें उसी ग्रुप में ज्वाइन करवाएंगे? उसी ग्रुप में ऐड हो जाएंगे, बट जो आपको वीडियोस मिलेंगी वो जनवरी से मिलेंगी। ओके सर, ओके सर। अच्छा सर, आप बोले थे पुरानी जो वीडियो है वो भी आप देते हैं कुछ उसका पे आउट? मैं चार्जेस पे शेयर करता हूँ। हाँ, चार्जेस पे पे करने के बाद बताए थे, आपको बता दूंगा जो लेने में इंटरेस्टेड होगा। यस सर। कब से? क्योंकि ना उसकी मैं आज ही हिसाब लगा रहा था, उसकी 60 वीडियो है, उसको इतना टाइम हो गया होते होते। हालांकि मैं 3 बैच बना चुका हूँ उसके, एक पिछले साल अगस्त से लेकर के शुरू हुआ था, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर एक बैच था, फिर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च एक बैच था, अप्रैल मई गैप था, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, अक्टूबर में फिर एक नया बैच, हालांकि बैच वही कंटिन्यू था बट वीडियोस अलग से शेयर करी गई जिसको BNN अक्टूबर बोलता हूँ। और उसके बाद अब ये जनवरी से अगर आप लोग ऐड हो जाते हैं तो फिर वो जनवरी से शुरू हो जाएगा। मेरा सर कंफर्म है, मैं बिल्कुल जनवरी से ऐड होऊंगा। सर पहले से ही सर जो लोग हैं वो तो बहुत हमारे बहुत आप नीरजा जी आप विश्वास नहीं मानोगे कि कुछ लोग तो ऐसे हैं जो मतलब जिनकी वजह से वो रिसर्च चल रहा है। नहीं मैं ना कभी का बंद कर देता, मैं बहुत थक जाता हूँ उसमें, क्योंकि उसमें मैंने कहा ना उसमें मुझे मेहनत करनी पड़ती है। ये सब तो मेरे टिप्स पे है, जो ये BNN का कोर्स है ये तो मेरे लिए बिल्कुल टिप्स पे है। मुझे तो कुछ याद भी नहीं करना पड़ता, कुछ देखना भी नहीं पड़ता, ये तो मेरे को आधी रात जगा के पूछ लोगे तो बता दूंगा। मतलब उसके लिए मुझे ढूंढ के लाना पड़ता है कुछ ना कुछ नया। वहां पर वो चीज है जो ना तो इस BNN में है, ना ही वो आज 60 क्लास में है उसके अलावा है। और फिर मैं कहता हूं मैं 5 साल तक डिलीवर कर सकता हूँ, इतना है उसके अंदर। तो काफी बड़ा इंटरेस्टिंग कोर्स है वो, उसके अंदर में बहुत इंटरेस्टिंग चीजें जो अभी तक भी घट चुकी हैं, आगे भी आती रहेंगी, क्योंकि उसके अंदर में मैं ये प्रॉमिस नहीं करता जो 60 क्लासों में मैं पढ़ा चुका हूं उसको दोबारा पढ़ा, वो मुश्किल है, क्योंकि जो लोग ऑलरेडी वो कर चुके हैं उन वो तो ऑलरेडी कर चुके हैं, अब वो जुड़ते जा रहे हैं नहीं जुड़ते जा रहे हैं, तो कुछ लोग वीडियोज ले लेते हैं कुछ लोग नहीं लेते हैं, अपने अपने उसकी बात है। तो लेट अस सी, आप लोग जितने भी इंटरेस्टेड होंगे वो मुझे बता दीजिएगा, जैसे विनीत ने ज्वाइन कर लिया है और भी आप में से किसी ने ज्वाइन किया है, नंदी तो है ही है और भी किसी ने ज्वाइन किया है? मैंने भी किया सर। हाँ बेताब जी ने किया है, आप बता दीजिएगा मुझे। जी सर मेरा कंफर्म है सर, मैं करूंगा। हाँ। मैं भी चाहता हूँ जी। हाँ सर, ये शुक्रवार से है ना क्लासेस? हाँ शुक्रवार को होती है। अच्छा, कल की थोड़ी डाउटफुल है क्योंकि कल मेरी नक्षत्र की डेमो है। डेमो का ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, उसमें लिंक भेजूंगा मैं क्लास का, तो फिर आप डेमो देखिए, कल डेमो में मिलेंगे फिर। ठीक है जी सर, कल डेमो में मिलेंगे। क्या कह रहे हैं ओम प्रकाश जी? मैडम मुझे भी इंक्लूड करना ना भूले। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, आपको जरूर। मैं आपका चलो भी सीनियर बैच। हाँ आप बुजुर्ग, आपका आशीर्वाद मिलता रहे बस हमें। नहीं जी जरूर जी, चलिए मिलते हैं किसी और कोर्स में किसी और जगह पर।
ठीक है ना। प्रणाम सर, प्रणाम, गुड नाइट।